Hey guys, welcome back to my channel. मैं हूँ राशि और यहाँ हम बात करते हैं बजट फैशन लेटेस्ट फैशन अपडेट्स और पर्सनल केयर के बारे में. अभी थर्सडे और संडे. सो आज की वीडियो है एज प्रॉमिस ब्राइडल सीरीज एपिसोड 2, जिसमें हम बात कर रहे हैं ब्राइड टू बी के लिए जो भी एसेंशियल है उनके फंक्शन से रिलेटेड, उनके पैकिंग से रिलेटेड. सो एपिसोड 1 में हमने बात किया था कि ब्राइडल पैकिंग के बारे में. एज आई मेंशन कि एपिसोड 2 का पार्ट 2 होने वाला है. सो उसमें हमने बात की कि अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं उसकी लिंक लास्ट में शेयर कर रही हूँ. एंड उसमें हमने बताया था कि वेडिंग डे में आपको क्या क्या कैरी करना चाहिए और जस्ट उसके 2 or 3 days में आपको किस किस सामान की ज़रूरत पड़ सकती है. एंड इसमें मैं बताऊँगी कि ब्राइडल पैकिंग में आपको क्या क्या रखना चाहिए, किस चीज़ की आपको ज़रूरत पड़ सकती है. यहाँ पर मैं सिर्फ बेसिक्स के बारे में बात करूँगी कि हाँ जिस जिस की आपको ज़रूरत पड़ेगी. अपार्ट फ्रॉम दैट आप अपने हिसाब से उसको ऐड भी कर सकते हैं और उस सामान को डिलीट भी कर सकते हैं. यहाँ पर कई बार होता है ना कि हमें पता ही नहीं चलता कि हम जो पार्टी वेयर चीज़ें और ऐसी ऐसी चीज़ें रख लेते हैं, हम बेसिक चीज़ों को भूल जाते हैं. तो यहाँ पर मैं बताऊँगी कि वो सारी चीज़ें कि जिनको आप खुद को भूलना नहीं है एंड आपको उसको पैक भी करना है अपने साथ. सो स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो के साथ. लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले फर्स्टली थैंक यू सो मच इसके फर्स्ट एपिसोड को इतना पसंद करने के लिए. एंड अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो मेरी और वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. एंड मेरी अपकमिंग वीडियो के अपडेट्स के लिए आप बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें. और आप मुझको इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं क्योंकि मैं नॉर्मली सारी अपडेट्स वहीं पर डालती हूँ. प्लस मेरी कमिंग वीडियोस प्लस मेरे स्टाइलिंग वेज वो सारे मैं पिक्चर्स इंस्टाग्राम पर अपलोड करती हूँ, तो आप उसको फॉलो करना ना भूलें. मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है माई स्टाइल डायरी. सो बढ़ते हैं हमारी वीडियो की साइड. लास्ट वीडियो में मेंशन किया था कि आपको एक बैग ऐसा रखना बहुत ज़रूरी है कि जिसमें आपके सारे कपड़े हों, कि आपको 2 or 4 days के बाद किस किस सामान की ज़रूरत पड़ेगी. तो वो सारी ड्रेसेस को एक साथ रखना है. प्लस आप जितने भी कपड़े रखेंगे या जितने भी ड्रेसेस रखेंगे सबका पेयर पूरा पूरा एक साथ रखना है. ऐसा नहीं हो कि कुर्ता अलग है और श्रृंगार अलग है तो वो मिलने में बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो जाती है. ऐसे मैंने यही किया था कि मेरे सारे सामान इधर उधर हो चुके थे एंड मुझको पूरा सेट प्रॉपर सेट ढूंढना इतना हेक्टिक हो गया था कि सारे बैग्स खुलने पड़ रहे थे. तो इसके लिए जब भी कोई भी चीज़ रखे उसको पूरा प्रॉपर सेट में अरेंज करें कि एटलीस्ट कुर्ता मिले तो उसकी शलवार भी मिले, उसका दुपट्टा भी मिले. ऐसा ना हो कि एक चीज़ मिल रही है और दूसरी चीज़ गायब है. तो उसके लिए उसको पूरा प्रॉपर सेट में रखें और अपना ध्यान करके रखें कि हाँ इस बैग में वो सामान है कि हमें 2-4 days तक जिसकी ज़रूरत पड़ेगी. एंड रेस्ट बाकी का जो हमारा सामान है वो दूसरे बैग में भी नॉर्मली सब 2 or 3 bags से कैरी करते हैं. नेक्स्ट आता है अगर आप कोई ट्रिप की प्लानिंग कर रहे हैं तो अगर आपके कोई ट्रिप शादी के जस्ट 2 or 3 days के बाद है तो आपको उसके लिए भी ड्रेसेस लेना पहले से इम्पॉर्टेंट है. और अगर वो ट्रिप बहुत दिन के बाद है तो आप उसको बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन वो डिपेंड करते हैं कि आपको कितना टाइम मिलेगा. तो इसके लिए अपना वो टाइम डिसाइड कर लें. और आपको नॉर्मली सबको पता होता है कि किसका क्या टाइम है, किसका आगे का क्या शेड्यूल है, तो उसके अकॉर्डिंग अपनी पैकिंग करें. और हाँ अगर आपका ट्रिप का प्लान है तो वो सारे कपड़े एक साथ एक जगह पर अरेंज करें क्योंकि सम टाइम्स होता है ना कि हमें बहुत जल्दी में निकलना होता है तो वो उसमें ज़्यादा हौच पौच ना हो उसके लिए. उस सबको एक साथ पूरा कैरी करना हो. नेक्स्ट आते हैं हमारे इंपॉर्टेंट पार्ट शॉपिंग लिस्ट, क्योंकि इसकी सबसे ज़्यादा सबको टेंशन होती है कि क्या रखना है क्या नहीं रखना है, कुछ इंपॉर्टेंट ना छूट जाए या फिर कुछ ऐसा कि जो हमने रख लिया है उसकी हमें कोई ज़रूरत भी नहीं है जिसको हम बाद में भी ले सकते हैं. तो यहाँ पर मैं स्टार्ट करूँगी बेसिक के साथ कि हाँ आपके डेली रूटीन में किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है. सो फर्स्ट है हमारा डेली एसेंशियल्स, जिसमें आते हैं हमारे टूथब्रश. यस, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है. एंड मैं नॉर्मली अपनी पैकिंग में हर जगह इवन फॉर ट्रिप्स मैं उसी को गायब करती हूँ. तो सबसे पहले होता है हमारा टूथब्रश. टूथब्रश के बाद हमारा आता है कि अगर आप कोई स्पेसिफिक शैम्पू या कोई बॉडी वॉश या कोई स्पेसिफिक कंडीशनर यूज़ करते हैं, होता है ना किसी ने स्ट्रेटनिंग कराई हुई है, किसी ने कलरिंग कराई हुई है, तो सबका वो स्पेसिफिक सामान होता है क्योंकि वो एकदम ज़्यादा ही अवेलेबल नहीं होगा. तो उसका अपने पास पैकेजिंग में ज़रूर रखना है कि हाँ एक चीज़ हमारे को मिल जाए, उसके बाद में ले सकते हैं. लेकिन इस टाइम के लिए जब मैं चाहते हैं हमें हेयर वॉश करना है कि हमें नहाना है तो उसके लिए हमारा स्पेसिफिक होना ज़रूरी है. ऐसा अगर मैं अपने स्पेसिफिक की बात करूँ तो मैं सबसे ज़्यादा एलर्जिक हूँ सनलाइट से, तो मेरे को होता है कि हाँ मेरे पास सनस्क्रीन होनी ज़रूरी है अगर मैं कहीं भी बाहर जा रही हूँ, मैं कहीं भी नई जगह जा रही हूँ, पता नहीं मुझे मिलेगी या नहीं मिलेगी. तो मेरे स्किन प्रोडक्ट्स होते हैं कि वो सबसे ज़्यादा मेरे को चाहिए होते हैं अपने स्पेसिफिक. तो अगर आपके पास अपना कोई ऐसा प्रोडक्ट है, ऐसा कोई शैम्पू है कि आप स्पेसिफिक ले रहे हैं तो आप उसको रखना ना भूलें. नेक्स्ट आता है टॉवल. टॉवल एक ऐसी चीज़ है जो नॉर्मली हम भूल जाते हैं, हम सारे कपड़े रख लेते हैं टॉवल रखना हम भूल जाते हैं. तो टॉवल एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है.
टेक्स एंड मेकअप प्रोडक्ट्स। मेकअप प्रोडक्ट्स की पूरी लिस्ट मैं अपनी अपकमिंग वीडियो में देने वाली हूँ, उसमें मैं मेकअप प्रोडक्ट्स की लिस्ट के बारे में बात नहीं करूँगी। लेकिन हाँ, मेकअप प्रोडक्ट्स रखना बहुत ज़रूरी है आपके डेली वेयर के लिए, आपके फाउंडेशन या जो भी आप यूज़ करते हैं। तो मेकअप किट, एक नॉर्मली मेकअप किट सबके पास होती है, उसको कोई यूजुअली भूलता भी नहीं है क्योंकि वो और फंक्शंस में आई हुई होती है हर जगह से। तो हाँ, लेकिन उसको रखना ना भूलें। अगर आपके पास कोई स्पेसिफिक है तो आप उसको भी रख सकते हैं। सो नाउ नेक्स्ट आते हैं हमारे बेसिक या डेली एसेंशियल्स के अलावा, ड्रेसेस। ड्रेसेस का कोई भी स्पेसिफिक लिस्ट नहीं है, आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, आपको जो पसंद है आप वो ले सकते हैं। मैं यहाँ पर जस्ट मैंने अभी बताया था कि मैं यहाँ पर बस बेसिक के बारे में बात करने वाली थी, जिसको आपको नहीं भूलना है। अपार्ट फ्रॉम दैट, आपको जो कैरी करना है, आपको जिस टाइप की ड्रेसेस लेनी है, आपके यहाँ जो पहनते हैं वो कैरी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं बोल रही हूँ तो वही रखना है। मैंने बस यहाँ पे बेसिक बताया कि जिससे कि जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमारे ध्यान में नहीं जाती हैं हम उसको रख सकते हैं। तो बेसिक की अगर हम बात करते हैं तो फर्स्ट आते हैं हमारे सीजन के अकॉर्डिंग ड्रेसेस। लाइक कि हमारा अगर विंटर्स में आपकी अभी जैसे वेडिंग सीजन आ रहा है तो उसके बाद विंटर्स आएंगी, तो अगर विंटर्स में आपकी वेडिंग है तो उसमें कोई विंटर्स के स्वेटर और सॉक्स वगैरह एक पेयर रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि पता नहीं कब इमरजेंसी हो जाए और कब एकदम विंटर्स होती है अचानक ही आती है, तो उसके लिए वो रखना जरूरी है। और अगर आपकी वेडिंग समर्स में है तो समर्स में होता है कि कॉटन की एक ड्रेस जो आपको चेंज करके पहनेंगे डेली वेयर में, कोई भी समर्स में हैवी ड्रेसेस नहीं पहन सकता, तो उसके लिए कॉटन की ड्रेसेस रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉटन की ऐसी जो आप समर्स में कैरी कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है कि डेली वेयर ड्रेसेस। हम नॉर्मली ये होता है कि हम सारे पार्टी वेयर ड्रेसेस नहीं लेते हैं, हम भूल जाते हैं कि हमें घर में भी रहना है, हमें घर में कपड़े पहनने हैं, तो वो घर के कपड़े रखना कि हाँ कुछ प्रॉपर सूट साड़ी अपने आप जो भी आपके यहाँ अलाउड है आपको जो भी पहनना है, तो वो एक प्रॉपर डेली यूज़ के पर्पज़ से एक और दो पेयर रखना उसका ना भूलें, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो बहुत काम होता है, लास्ट में कम्फर्ट एक मेजर होता है। नेक्स्ट आते हैं हमारा लेगिंग्स। लेगिंग्स मीन्स कि इनर्स जो हमारे कुर्ते होते हैं सब, तो कभी कभी होते हैं ना कि कुछ कुर्ते बहुत ट्रांसपेरेंट होते हैं, उनके लिए भी स्पेसिफिक लाइनिंग की ज़रूरत होती है। तो अगर आपको ऐसी ड्रेस आपके अपने साथ रखनी है जिसके अंदर कोई स्पेसिफिक लाइनिंग की जरूरत हो तो उसको रखना ना भूलें, और उसको हमेशा उसके साथ ही रखें सो दैट वो साथ में मिल भी जाए और ऐसा ना हो कि वो रह गए। तो लाइनिंग रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो आपके कपड़े रखने का कोई पॉइंट ही नहीं होगा कि वो पहनने लायक ही नहीं होगा। थोड़ों की यहाँ पर हो गई हमारी सारी बातें कि यहाँ पर मैंने जस्ट बेसिक बताया कि घर के कपड़े रखने इंपॉर्टेंट है, कोई किसी कपड़े के साथ कोई स्पेसिफिक लाइनिंग है वगैरह, जिसके कुर्ते के सब ट्रांसपेरेंट कुर्ते होते हैं, नॉर्मली वाइट कलर कुर्ते ट्रांसपेरेंट होते हैं, कोई आपके लाइट में है उसकी जो लाइनिंग्स हैं वो रखना साथ में इंपॉर्टेंट है। एंड सीजन के अकॉर्डिंग कपड़े रखना इंपॉर्टेंट है कि विंटर्स है समर्स है, क्योंकि अगर आप नेक्स्ट सीजन के अकॉर्डिंग रखते हैं तो ठीक है, अगर आपके समर्स में वेडिंग है तो आप विंटर के अवॉइड कर सकते हैं कि हाँ जब विंटर्स आएंगी तो तब हम सेटल हो चुके होंगे और हम नई चीज़ें ले सकते हैं, हम बाद में ले सकते हैं। लेकिन हम जाते हैं अगर विंटर्स हैं तो उसके अकॉर्डिंग स्पेसिफिक कपड़े रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसकी जरूरत पड़नी ही पड़ती है। अब कपड़ों के बाद आते हैं, अगर हम बैंगल्स और उसके साथ की ज्वेलरी की बात करते हैं। अगर आपके यहाँ कोई फंक्शन है, मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बोला था कि अगर आपके कोई फंक्शन है सबको पता होता है कि हमारे क्या फंक्शन है, उसके अकॉर्डिंग आप अपने फंक्शन अकॉर्डिंग में दो या तीन दिन के लिए बैग रेडी कर रहे हैं, आप उसमें वो कपड़े रख सकते हैं। इसके अलावा आप एक बेसिक बैंगल्स या बेसिक नेल पेंट वाला सेट रख सकते हैं, हाँ बहुत ज़्यादा कैरी नहीं करना है, हम उस सामान को अपना स्पेसिफिक रखना है। तो नॉर्मली जिन लोगों के यहाँ चूड़ा पहना जाता है तो उनको तो वन ईयर या जितना भी उनका टाइम होता है उसके तक वही पहनना है, लेकिन आज से कि मैं हूँ उन लोगों के ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं है कि उनको चूड़ा ही पहनना है, उसके लिए आप एक मैचिंग रेड कलर की या मल्टीपल कलर की बैंगल्स रख सकते हैं, जो कि अगर आपको कोई इमरजेंसी में फंक्शन में जाना है आपको डेली वेयर में पहननी है तो आप उसको पहन सकते हैं। डेली वेयर के पर्पज से सिंपल बैंगल्स आप ज़रूर रखें कि जो आपको पता होना चाहिए कि हाँ मेरे पास अगर कुछ भी होगा तो इमरजेंसी में उसको पहन लूँगी, क्योंकि सारे कपड़ों को मैचिंग हम एक साथ नहीं ले जा सकते, उसको कैरी करना बहुत टफ है। तो जस्ट बेसिक चीज़ें जिसको हम सबके साथ काम चला सकते हैं कुछ दिन के लिए, ऐसी चीज़ें ज़रूर रखें कि जिसके साथ जो नहीं मिलेगा हम उसको पहन लेंगे। तो यहाँ पे अगर मैं बैंगल्स के बेसिक की बात करूँ तो आप रेड कलर का रख सकते हैं, क्योंकि शादी में नॉर्मली रेड पहनना चाहते हैं और सारे जो उस टाइम के कपड़े होते हैं ना हमारे पास वो रेड में बहुत ज़्यादा होते हैं, तो रेड कलर के बैंगल्स आप रख सकते हैं। ऐसे ही सिमिलरली अगर नेल पेंट की बात करें या लिपस्टिक की बात करूँ तो बहुत सारे शेड का जरूरत नहीं है कि हाँ सब कपड़ों के मैचिंग कलर रखते हैं। एज मैं अपनी बात करूँ तो मुझको नॉर्मली पसंद है बहुत सारे शेड्स रखना, लेकिन अगर मैं बेसिक पे आते हैं तो मैं रेड और गोल्डन पे आकर अटक जाती हूँ कि हाँ सारी पार्टी मेरे कपड़ों में ये होगा तो मेरा काम चलते हैं। सो बैंगल्स और एक्सेसरीज की बात करते हैं हमारा फुटवेयर। मैं इसलिए फुटवेयर को पैकिंग बहुत टफ है,
एज अगर हम रख रहे हैं कि हम चाहते हैं हमें पूरा बॉक्स के साथ रखना है, तो उसको आई थिंक अवॉइड करना अच्छा ऑप्शन होगा। उसकी वजह मार्केट में बहुत सारे शू बैग्स आते हैं, हम उसको कैरी कर सकते हैं, जिसमें हमने फुटबैग रख सकते हैं, उसको गंदे भी नहीं होंगे और कपड़ों से सेपरेट भी रहेंगे और बहुत कम स्पेस में आ जाएंगे। एज मेरे को दूसरी सिटी में शिफ्ट होना था तो मैंने यही किया था कि अब मुझे फुटबैग्स का बहुत ज़्यादा शौक है, मेरे पास बहुत सारा कलेक्शन है फुटबैग्स का, तो अब सारा तो कोई नहीं ले जा सकता, लेकिन हम मेजॉरिटी में जितने ले जा सकती थी मैंने अपने पैक करे थे। तो उसके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है शू बैग्स का। और अगर आपको शू बैग्स देखने हैं या अगर आपको लगता है कि आपको उस रूट में यूज़ करना है, तो मैं लिंक शू बैग की शेयर कर दूँगी, ऑनलाइन मिलते हैं, आप उसको ले सकते हैं। एंड उसको सबसे अच्छा होता है कि आप उसको बाद में भी यूज़ कर सकते हैं ट्रैवल में या कहीं भी, अपनी फुटवेयर उसमें डालें एंड बॉक्सेस वाला सिस्टम खत्म हो जाता है, तो बहुत ज़्यादा स्पेस सेविंग हो जाता है। सो फुटवेयर में अगर हम बेसिक की बात करें तो घर की स्लीपर्स, घर की स्लीपर्स रखना ना भूलें, क्योंकि नॉर्मली होता है कि हमने हील्स ले ली और हमने आने जाने की स्लीपर्स ले ली, हम घर की स्लीपर्स से भूल गए और घर में फिर तभी जाते में लेना पड़ेगा, तो इसलिए वन पैर घर की स्लीपर होना बहुत ज़रूरी है। एंड इसके अलावा अगर मैं कॉमन शेड्स की बात करूँ, अगर आप हील्स पहनते हैं, अगर आप फ्लैट्स पहनते हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग हील्स और फ्लैट्स ले सकते हैं आने जाने के लिए। ठीक है, अगर हम कॉमन कलर्स की बात करते हैं तो आप ब्लैक में ले सकते हैं, आप बेज शेड में ले सकते हैं, तो क्या होता है कि नॉर्मली आपके सारे ड्रेसेस के साथ जाएगा, सेफेस्ट ऑप्शन है। अगर आपको कम सामान कैरी करना है और बाद में लेना है, तो जस्ट मैचिंग पिंक और पर्पल और वाइट वाले ऑप्शंस को छोड़ के आप ये शेड्स चूज कर सकते हैं कि हाँ वो हो जाएगा। एंड अगर हम इसके अलावा पार्टी वेयर की बात करते हैं, तो पार्टी वेयर में आप गोल्डन या रेड का ले सकते हैं, क्योंकि नॉर्मली कपड़े होते हैं रेड भी छोड़ो गोल्डन का रहेगा, गोल्डन या ब्रॉन्ज, तो वो नॉर्मली होता है आपके सारे ड्रेसेस पे चल जाएगा। एंड जब हमें वो मिनिमल चीज़ें लेनी होती है ना, तो उसमें बहुत सबसे ज़्यादा टफ होता है, मेरे लिए बहुत टफ होते हैं वो चीज़ों में सेलेक्ट करने में, मुझे क्या रखना है और क्या नहीं। इसके लिए बेस्ट ऑप्शन होता है शू बैग्स में रखो जितना रख सकते हो, और उसमें अगर शेड्स की बात आती है तो ऐसे शेड्स चूज करो, ऐसे कपड़े चूज करो, चाहे कपड़े हों चाहे फुटवेयर हो, जो आप कम भी रख सकते हो और वो सारे पर पैर भी करो, तो ऑडिबल आउट ना लगे ना कि अगर हम ब्लू ले रहे हैं तो हमारा ग्रीन कलर पे नहीं जाएगा, ऐसा बेसिक जब मैं कम रखना है जो सब पर चल जाएगा। सो नेक्स्ट आते हैं हमारे फुटवेयर के अलावा वेस्टर्न ड्रेसेस। ये ऑप्शन आपको ऑप्शनल होता है कि हाँ भाई रखना है, यानी अगर आपको कहीं घूमने जाने का प्लान है आपके अलाउड है तो आप रख सकते हैं, और अगर आपका थोड़ा टाइम के बाद भी जाने का प्लान है, ट्रिप का प्लान लेटर है या फिर आपके घर में अलाउड नहीं है, तो उसको आप कैंसिल कर सकते हैं। सो ये थे हमारे सेकेंड एपिसोड हमारी ब्राइडल सीरीज का। अगर आपको वीडियो पसंद आता है इसको प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, एंड अगर आपकी फैमिली या फ्रेंड्स में कोई ब्राइड है जिसकी शादी होने वाली है तो आप उसके साथ ही वीडियो को ज़रूर शेयर करें, मे बी उनकी हेल्प कर सकती है। प्लस मैं इसके अब फर्स्ट एपिसोड देखने के लिए अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो इसके अब वीडियो के एंड में आप देख सकते हैं, मैं उसकी लिंक शेयर कर रही हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, टिल देन बाय।